हेलो एवरीवन, हम एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा कर रहे थे और एल्कोहलों में ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ रहे थे जिनमें सी सिंगल बॉन्ड ओ बंध का विघटन होता है, यानी कि एल्कोहलों का OH समूह पूरा का पूरा ही हट जाता है। और इसके अंतर्गत हम एल्कोहलों की हेलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अपन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम एल्कोहलों के निर्जलीकरण अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी यौगिक का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4, सांद्र H3PO4, ड्राई Al2O3, P2O5, इन निर्जली कारकों की उपस्थिति में संपन्न होता है। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से एल्कील भी बनते हैं और एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर भी बनते हैं, जो अभिक्रिया की परिस्थितियों, ताप और एल्कोहलों की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। जैसे हम एथिल एल्कोहल की बात करें, CH3CH2OH, अगर इसका निर्जलीकरण हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर करवाएंगे तो अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से एक एच हट जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एथीन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसी रिएक्शन में हम ताप को थोड़ा कम कर देते हैं, 413 केल्विन रख देते हैं, तो एथिल एल्कोहल के दो अणुओं से निर्जलीकरण होता है, HOCH2CH3। तो ये वही सांद्र H2SO4 और 413 केल्विन, तो ये एक अणु का OH और एक अणु का H निकल जाएगा और CH3CH2OCH2CH3 डाई एथिल ईथर यानी एथोक्सी एथेन प्राप्त होगा। तो थोड़ा अधिक ताप यानी उच्च ताप पर विलोपन अभिक्रिया हो रही है, निर्जलीकरण हो रहा है और एल्कीन बन रही है, लेकिन ताप जैसे ही हमने कम किया अभिक्रिया की दिशा बदल गई और ये SN2 यानी कि द्विअणुनाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई है और ईथरों का निर्माण हुआ है। अगर एथेनॉल का निर्जलीकरण सांद्र H2SO4 की जगह Al2O3 में करते तो ये ताप अपन को 623 केल्विन करना पड़ता, यानी कि 623 केल्विन ताप पर एथेनॉल का Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है और एथीन बनती है, जबकि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर निर्जलीकरण होता है एथिल एल्कोहल और एथीन बनती है। तो इस प्रकार से एल्कोहलों का उच्च ताप पर निर्जलीकरण कराने पर एथीन बनती है। शर्त यही है कि एल्कोहलों में बीटा कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, यानी कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तो अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से तो OH को हटना है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा होता है और बीटा से हाइड्रोजन को हटना है, इसलिए उन्हीं एल्कोहलों का निर्जलीकरण संभव है जिनमें बीटा कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण की सुगमता के अनुसार हम देखें तो तृतीयक कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसी वजह से तृतीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण बड़े आराम से होता है, द्वितीयक एल्कोहलों का निर्जलीकरण थोड़ा कठिनाई से होता है और प्राथमिक एल्कोहलों का निर्जलीकरण और अधिक कठिनाई यानी कि काफी उच्च ताप पर संपन्न होता है। अब यहाँ अपन कुछ एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि देखेंगे। जैसे हम 2-methyl-2-butanol के निर्जलीकरण की क्रियाविधि देखते हैं। 2-methyl-2-butanol, ब्यूटेन में चार की चेन है, दो नंबर पर मेथिल है और दो नंबर पर ही OH समूह है, तो ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा है और अम्ल आयनित होकर H+ आयन देते हैं और H2SO4 नहीं है, तो ये सबसे पहले प्रोटॉन ग्रहण करेगी एल्कोहल की ऑक्सीजन और ये प्रोटॉन ही एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, तो CH3 CH2CH3
और ये ओ एच, तो ओ पे दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, यहाँ पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले लिया क्योंकि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसने हाइड्रोजन को दान कर दिया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ गया। लेकिन ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व है और अधिक देर तक यह धन आवेश नहीं रह सकती, तो इसका पड़ोस में कार्बन के साथ बंध बना हुआ है, तो ये इस बंध को तोड़ लेगी और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी और न्यूट्रल हो जाएगी, उस जिसके कारण इस कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा, यानी कार्बोकेटायन का निर्माण हो जाएगा। तो प्रोटोनित एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी इससे जल का अणु निकल जाएगा, जिसके फलस्वरूप कार्बोकेटायन बनेगा OHH। तो ये यहां से ये बंध टूट गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वापस मिल गया, तो ऑक्सीजन उदासीन होते हैं, H2 अणु निकल गया और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, या कार्बन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन के साथ चला गया बद्ध युग्म, इसलिए कार्बन के ऊपर धन आवेश आ जाएगा। तो CH3C CH2CH3 और ये कार्बोकेटायन बन गया, एक तृतीय कार्बोकेटायन है जो स्टेबल है। अब ये इसका वी प्रोटोनल होगा, यानी कि इसमें से एक प्रोटोन का निष्कासन होगा और एल्कीन बनेगी। अब इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन ये भी है और इस कार्बन का पड़ोसी कार्बन ये भी है, लेकिन इधर वाला कार्बन अधिक प्रतिस्थापी कार्बन है क्योंकि ये इसमें दो कार्बन है एच, तो इसमें अब प्रतिस्थापित होने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, जबकि इधर केवल मेथिल है, इसलिए जिस वाले कार्बन के साथ प्रतिस्थापी या जिस एल्कीन समूह के साथ प्रतिस्थापी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, हाइड्रोजन उधर से निकलता है, तो इधर से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो यहां से दो हाइड्रोजन में से एक निकलेगा एच प्लस के रूप में, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन हाइड्रोजन का बंध टूटेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन ये कार्बन छीन का इस कार्बन को देगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन का धन आवेश हट जाएगा। तो ये CH3 यहां हो गया डबल और यहां से एक एच कम हो गया CH3 और एच प्लस निकल गया, ये एच प्लस वापस इस प्रारंभिक HSO4 के साथ जुड़कर HSO4 बना लेगा, तो ये बन गया 2-methyl-2-butene। इस प्रकार से एल्कोहलों के निर्जलीकरण की क्रियाविधि में क्या क्या होता है, सबसे पहले एल्कोहल की ऑक्सीजन पर एक प्रोटॉन का आक्रमण होता है, यानी कि एल्कोहल की ऑक्सीजन प्रोटॉन को ग्रहण करती है, जिसके फलस्वरूप प्रोटोनित एल्कोहल प्राप्त होता है, प्रोटोनित एल्कोहल का उसके बाद निर्जलीकरण होता है, यहाँ से जल का अणु का निष्कासन हो जाता है और एक कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, फिर उसके बाद इस कार्बोकेटायन का वी प्रोटोनन होता है, यानी इसमें से प्रोटोन का निष्कासन हो जाता है और एक एल्कीन बन जाती है। कभी कभी कार्बोकेटायन का डायरेक्ट वी प्रोटोनन नहीं होता, अगर ये कार्बोकेटायन कम स्थायी है और पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो सकता है, तो पहले कार्बोकेटायन का पुनर्विन्यास होता है और उसके बाद वी प्रोटोनन से एल्कोहल बनता है। यहाँ पुनर्विन्यासित होने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ये ऑलरेडी तृतीय कार्बोकेटायन है जो पर्याप्त स्टेबल होते, लेकिन अगर किसी एल्कोहल की क्रियाविधि के चरण में प्राथमिक कार्बोकेटायन बन रहा हो और वो पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी द्वितीय या तृतीय कार्बोकेटायन में परिवर्तित हो सकने में सक्षम हो, तो वी प्रोटोनन के पहले पुनर्विन्यास होता है और उसके बाद भी वी प्रोटोनन से एल्कीन बनती है। जैसे अपन बात करते हैं 2,2-dimethylpropanol की, अब 2,2-dimethylpropanol की क्रियाविधि को अपन ध्यान से देखते हैं। टू टू डायमेथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन में तीन कार्बन है, ए दो और तीन, और ये OH नंबर वन पे ही हो सकता है क्योंकि दूसरे नंबर पे तो डबल मेथिल है ही सही, इसलिए बीच वाले कार्बन से OH नहीं जुड़ सकता, साइड से जुड़ेगा तो उसका नंबर वन फिक्स है, इसीलिए इसको हम 2,2-dimethyl-1-propanol नहीं कह रहे, क्योंकि वन नहीं भी कहेंगे तब भी 2,2-dimethyl होने की वजह से प्रोपेन की चेन में नंबर वन उसका फिक्स हो जाता है। तो ये सी एच, तो सबसे पहले ये H2SO4 है जो प्रोटोन त्यागता है और HSO4 इस प्रोटोन को ये एल्कोहल की ऑक्सीजन ग्रहण करेगी, तो ये प्रोटॉन इस पर अटैक करेगा, तो प्रोटोनित एल्कोहल बन जाएगा। तो CH3C CH3
CH3 CH2 और OH और एक और एच ग्रहण कर लिया तो दो एकाकी युग्म में से एक को हाइड्रोजन को दान कर दिया, इसलिए ये ऑक्सीजन धन आवेशित हो गई, यानी कि प्रोटोनिन एल्कोहल का निर्माण हो गया। तो ये ऑक्सीजन इस पड़ोसी कार्बन के बंधु को तोड़कर इसके युग्म को बंधी युग्म को ग्रहण करके उदासीन हो जाएगी, H2O जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा और ये धन आवेश इस कार्बन पर आ जाएगा, जिसके फलस्वरूप कार्बोकैटायन बनेगा। तो दूसरे पद में प्रोटोनिक एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, जैसे अपन ने इसके पहले वाली क्रियाविधि में भी पढ़ा था। तो यहां से ये हट जाएगा, तो CH3 और CH2+ और प्लस H2O। अब ये कार्बोकैटायन अधिक स्थायी नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस कार्बन पर धन आवेश आ रहा है वो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी एक प्राथमिक कार्बन है। तो प्राथमिक कार्बन पर धन आवेश आने की वजह से ये प्राथमिक कार्बोकैटायन है। अगर यहाँ का मिथिल समूह इस वाले कार्बन के पीछे जुड़ जाए और ये धन आवेश इस कार्बन पर आ जाए तो ये तृतीयक कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो सकता है, और तृतीयक कार्बोकैटायन प्राथमिक कार्बोकैटायनों से अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर ये कम स्थायी कार्बोकैटायन पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ इसका सीधा ई प्रोटोनन नहीं होगा, पहले पुनर्विन्यास होगा। तो CH3 और ये CH2 के ऊपर प्लस, तो यहाँ होगा इसका पुनर्विन्यास। तो प्राथमिक कार्बोकैटायन पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी तृतीयक कार्बोकैटायन में परिवर्तित होगा, तो CH3 CH2 के पीछे चला जाएगा, बदले में इसका प्लस इस कार्बन पर आ जाएगा। तो ये CH3 CH3 और CH2 के पीछे चला गया CH3 और यहाँ आ गया प्लस। अब ये तृतीयक कार्बन पर धन आवेश आ गया, तृतीयक कार्बोकैटायन है, यानी कम स्थायी कार्बोकैटायन अधिक स्थायी कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो चुका है। अब इसका विप्रोटोनन होगा, यानी कि इसमें से एक प्रोटोन का निष्कासन होगा और जिसके फलस्वरूप एल्कीन बनेगी। अब इसका पड़ोसी कार्बन ये भी है जो मेथिल है, जबकि इधर वाला एथिल है, एथिल में हाइड्रोजन ज्यादा है यानी प्रतिस्थापित हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, तो इधर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो CH3 C और ऊपर CH3, तो ये सिंगल का डबल हो गया और CH2 में से एक एच निकल गया, तो CH सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस H+। ये H+ वापस प्रारंभिक बचे HSO4 के माइनस के साथ HSO4 बना सकता है, तो ये दो नंबर पर मेथिल और दो नंबर पर ही डबल बॉन्ड है, तो 2-methyl-2-butene का इसके द्वारा निर्माण हो गया। इस प्रकार से एल्कोहलों में अगर कम स्थायी कार्बोकैटायन बन रहा है और वो पुनर्विन्यासित होकर अधिक स्थायी कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो सकता है तो पुनर्विन्यास होता है और उसके बाद वी प्रोटोनन द्वारा एल्कोहलों का निर्माण होता है। अब हम 2-butanol की क्रियाविधि और देखते हैं। 2-butanol के निर्जलीकरण से विपक्ष 2-butene प्राप्त होती है, ट्रांस 2-butene, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 2-butene 2-butanol, तो ब्यूट में 1, 2, 3, 4 कार्बन और ये दो नंबर पर OH और बाकी ये अपन ने जोड़ लिए हाइड्रोजन। तो सबसे पहले वही आपका H2SO4 है जो आयनित होकर H+ आयन देगा और एल्कोहल के ऑक्सीजन इस H+ आयन को यानी कि प्रोटॉन को ग्रहण करके प्रोटोनित एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगी, जो अपन इस अभिक्रिया क्रियाविधि में लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो OH, तो ये H, तो दो में से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को दान कर दिया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ गया है। अब यहां से ये बंध टूटेगा, जल का अणु निकलेगा और कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा और द्वितीयक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये पुनर्विन्यासित होकर तृतीयक कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो नहीं सकता, इसलिए यहां पुनर्विन्यास की आवश्यकता नहीं है। तो OHH+, तो यहां निर्जलीकरण से कार्बोकैटायन बनेगा CH2CH CH3+ और प्लस निकल गया H2O, तो ये द्वितीयक कार्बोकैटायन पर्याप्त स्थायी है। अब इसका विप्रोटोनन होगा, यानी कि इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन होगा।
अब प्रोटॉन किधर से निकलेगा, इधर तो मेथिल है और इधर एथिल है, तो एथिल वाले कार्बन से ही अपन को प्रोटॉन निकालना है, जिधर ज्यादा कार्बन है उस साइड से। तो यहां से एक एच निकलेगा तो ये सिंगल का डबल हो जाएगा, तो ये सी के ऊपर तो गया सी एच थ्री, और यहाँ एक एच बचेगा जो नीचे आ गया, यहाँ डबल हो गया यहाँ सी, तो इसके ऊपर चला जाएगा एच और नीचे आ जाएगा सी एच थ्री, और ये प्रोटॉन निकल गया जो एक एसोफोर के साथ एसोफोर बना लेगा। तो यहाँ पर देखो समान समूह परस्पर विपरीत है, इधर मेथिल ऊपर है जबकि दूसरे कार्बन से संलग्न मेथिल नीचे है, इधर हाइड्रोजन नीचे है तो दूसरे कार्बन से संलग्न हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये टू ब्यूटीन का विपक्ष रूप है। तो इस प्रकार से टू ब्यूटेनॉल के निर्जलीकरण से विपक्ष टू ब्यूटीन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम किसी भी एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि देख सकते हैं। अब एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर भी बनते हैं, तो अपन उस अभिक्रिया के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर जब कब बनेंगे, एक तो एल्कोहल की अधिक मात्रा लें, क्योंकि दो एल्कोहल के दो अणुओं में से जल का एक अणु निष्कासित होगा तो ईथर बनेंगे। तो पहली शर्त तो यह है कि एल्कोहल अधिक में प्रयुक्त करना है, दूसरा इसमें विलोपन नहीं होकर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन होना है, वो भी SN2, तो जो कम ताप पर आसानी से हो जाता है, तो अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न होगी। तो एल्कोहलों की अधिक मात्रा लेते हुए कम ताप पर यदि अभिक्रिया करवाई जाएगी निर्जलीकरण की, तो फिर एल्कीन के स्थान पर ईथर बनेंगे। तो कैसे ईथर बनेंगे और उसकी क्रियाविधि किस प्रकार से चलेगी, उसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।